वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एग्री क्लासेज में। एग्री क्लासेज के इस चैनल पे आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इन बैंक्स, जेआरएफ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एंड इफको, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फ्री के अंदर YouTube पे ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एजुकेशन की जर्नी में आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशंस, क्रिस्प शॉर्ट वीडियोस, इनोवेशंस एंड बाइलिंगुअल मीडियम। वीडियोस की इस सीरीज में प्लांट डिजीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप का Part-1 है। चलिए शुरू करते हैं कलाम साहब के इस कोटेशन से, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। विच वन इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोफोरा विटिकोला, ऑप्शन बी है एरिसाइफिविटी, ऑप्शन सी है ओइडियम स्पीसीज और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियोफोरा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एरिसाइफिविटी। पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसके अंदर जो लीव्स की अपर सरफेस होती है उस पर वाइट माइसीलियल ग्रोथ हो जाती है जो कि एक फंगस की वजह से होती है जिसे एरिसाइफिविटी कहते हैं, जिसका मैनेजमेंट सल्फर फंजीसाइड के द्वारा किया जाता है जिसे हम कैराथेन कहते हैं, जिसका ट्रेड नेम डाइनोकैप होता है। यह एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। ग्रेप्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट और सीवियर डिजीज होती है जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, जो कि प्लाज्मोफोरा विटिकुला की वजह से होती है। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर ग्रेप्स की जो निचली सतह होती है लीव्स में, वहाँ पे येलोइश और वाइटिश पैचेज हो जाते हैं, जिसका मैनेजमेंट बोर्डेक्स मिक्सचर के द्वारा किया जाता है, जिसकी खोज प्रोफेसर मिलाडेट ने की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरीके से मैंगो के अंदर और बेर के अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू होता है, इसमें ओइडियम स्पीसीज जो ऑप्शन सी दिख रहा है उसकी वजह से होता है। मैंगो के अंदर जो होता है वो ओइडियम मैंजीफेरी और जो बेर होता है उसमें जुजुबे इंडिका की वजह से होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जो कुकरबिटेसिस क्रॉप होती है उसके अंदर एरिसाइफी चिकोरे सेरम होता है, उसकी वजह से पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कॉजल ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1943। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था 1943 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंगाल फेमाइन कब हुआ था, तो 1943 के अंदर हुआ था। अब पूछा जाए कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ऑप्शन ए है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन बी है हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी, ऑप्शन सी है हेमेलिया वेस्टिट्रिकोला और ऑप्शन डी है प्लाज्मोफोरा विटिकोला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसकी वजह से बंगाल के अंदर फेमान आया था या बंगाल के अंदर अकाल आया था। ये जो डिजीज राइस में कहते हैं, इस डिजीज को वो कहते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इस डिजीज के अंदर जो प्रांकुर चोल होते हैं, जो सीडलिंग्स की प्रांकुर चोल होते हैं, वो इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके ऊपर पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर सर्कुलर टू ओवल शेप्स के अंदर स्पोर्ट्स हो जाते हैं और ये जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर सीवियर पोटासिक सॉइल होती है उसके अंदर होती है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आयरिस फेमाइन था वो आलू के अंदर हुआ था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की वजह से, और जो कॉफ़ी लीफ रस्ट श्रीलंका में हुआ था वो हेमेलिया वेस्टिट्रिकोला की वजह से हुआ था, और जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है वो प्लाज्मोफोरा विटिकोला की वजह से हुआ था। ये जो तीनों डिजीजेज अराइज हुई थी ये 1800 के बाद हुई थी,
तो जो आयरिश फेमाइन था वो 1845 के अंदर हुआ था, कॉफी लीफ रस्ट 1867 में हुआ था, और जो डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स है वो 1885 के अंदर हुआ था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। है ब्राउन लीफ रस्ट इज कॉज्ड बाय, वीट के अंदर एक डिजीज होती है लीफ रस्ट, तो जो ब्राउन लीफ रस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए है पक्सिनिया रेकॉन्डिटा, ऑप्शन बी है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ऑप्शन सी है पक्सिनिया ग्रेमिनिस और ऑप्शन डी है पक्सिनिया फोइटाडा। तो ये जो तीनों डिजीज होती है वो होती है पक्सिनिया की वजह से, ब्राउन लीफ रस्ट, ब्लैक लीफ रस्ट और येलो लीफ रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राउन लीफ रस्ट, पक्सिनिया रेकॉन्डेटा की वजह से होती है। जो येलो रस्ट होती है वो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से होती है, और जो ब्लैक रस्ट होती है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस की वजह से होती है। जो ब्लैक रस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट सीवियर डिजीज मानी जाती है, इसको हम किलर डिजीज भी बोलते हैं। इस ब्लैक रस्ट के अंदर जो इरिडो स्पोर्स बनते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस हैं रस्ट से रिलेटेड, ये कवर कर लिए गए। विच इज द मोस्ट सीवियर डिजीज ऑफ राइस? ऑप्शन ए है ब्राउन लीफ स्पॉट, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ऑप्शन सी है ब्लास्ट और ऑप्शन डी है खेरा डिजीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्लास्ट डिजीज, जिसे पायरिकुलेरी ऑराइजी कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। अब इसको हम रिच मैन डिजीज भी कहते हैं। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ब्लास्ट डिजीज का, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है एयरबॉर्न कोनिडिया। इनके अलावा राइस के अंदर दो और इम्पोर्टेंट डिजीज होती है, एक तो होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और एक होती है खैरा डिजीज, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब इन दोनों को मैंने माइलस्टोन फॉर्म के, पिलर फॉर्म के अंदर लिया गया है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है वो होती है जेंथोमोनास, एक बैक्टीरिया होता है जेंथोमोनास ऑराइजी की वजह से, जिसके अंदर क्रेजेट सिम्टम्स पाए जाते हैं। जो क्रेजेट सिम्टम्स होते हैं उसे हम सीडलिंग विल्ट बोलते हैं। इसके अंदर ब्लाइटिंग होती है जो लीव्स के ऊपर होती है, लीव्स के अंदर भूरे कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि लीव्स पे टिप से बेस की तरफ जाते हैं। अब खैरा डिजीज पे आ जाते हैं। खैरा डिजीज भी नर्सरी स्टेज में होती है और ब्लास्ट डिजीज भी नर्सरी स्टेज में होती है। जिंक के अंदर जो मैनेजमेंट किया जाता है वो अगर एट द टाइम ऑफ फोलियर स्प्रे किया जाता है तो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अंदर यूज किया जाता है, और अगर हम एट द टाइम ऑफ सोइंग करते हैं तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा फोलियर स्प्रे और सोइंग के अंदर यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेज आर, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2009 के अंदर। ऑप्शन ए है SSRNA, ऑप्शन बी है DSRNA, ऑप्शन सी है SSDNA, ऑप्शन डी है DSDNA। तो जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है येलो डिजीज इन राइस इज कॉज्ड बाय, जो येलो डिजीज होती है राइस के अंदर वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है फंगस की वजह से, ऑप्शन सी है वायरस की वजह से और ऑप्शन डी है माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पर मिलेट इज कॉज्ड बाय, बाजरे में जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ऑप्शन बी है टोली स्पोरियम पेनिसिलियरी, ऑप्शन सी है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला और ऑप्शन डी है पेरिनोस्पोरा पैरासिटिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला। अब यही क्वेश्चन
एक बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा चुका है इसके सिम्टम्स को लेकर कि जो बंची अपीरियंस है इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, तो जो ये बंची अपीरियंस है यह भी डाउनी मिल्डी ऑफ बाजरा या इसी ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा को कहते हैं। इसके अंदर दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा होता है ग्रीन ईयर। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर जो पत्तियों की निचली सतह होती है उसके अंदर व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ हो जाती है, और जो ग्रीन ईयर होती है उसके अंदर जो फ्लोरल पोर्शन होता है वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये दोनों भी एक जैसे ही है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजरे के अंदर जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है सॉयल एवं सीड बॉन्ड डिजीज। बाजरे की जितनी भी डिजीज होती है वो सॉयल एवं सीड बॉन्ड होती है। एक्सेप्शन क्या याद रखना है कि जो टोली स्पोरियम पेनिसिलेरी है जिसकी वजह से स्मट होता है वो ही केवल एक सॉइल बॉर्न डिजीज होती है। नंबर 8 है सोलर हीट ट्रीटमेंट इज मैनेज्ड इन डिजीज। जो सोलर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के रूप में वो किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, ऑप्शन बी है लूज स्मट ऑफ व्हीट, ऑप्शन सी है इरगट डिजीज ऑफ बाजरा, और ऑप्शन डी है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। तो इसको हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट या सोलर हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इसमें किया क्या जाता है, इसके अंदर 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट्स तक सीड्स को रखा जाता है। जो इसकी खोज की थी वो की थी लूथरा एवं शटर ने। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो डिजीज होती है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होती है, सीड के अंदर होने वाली डिजीज होती है, इसलिए हम इसको 54 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। अब एक और मैनेजमेंट पूछा जाता है कि 20% जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो किसके मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट और इरगट डिजीज ऑफ बाजरा होता है, उसके अंदर 20% सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो जो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। वीट के अंदर ही एक डिजीज के अंदर सोलर हॉट ट्रीटमेंट किया जाता है, और इन ईयर कोकल वीट और टुंडू वीट होते हैं इसके अंदर 20% सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, और यही बाजरा के अंदर इरगट के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच दी फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपको। ऑप्शन ए है कॉलर रॉट ऑफ सिम्टम्स, ऑप्शन बी है सीडलिंग विल्ट, ऑप्शन सी है लार्ज वेलवेटी मास ऑफ स्पाइकलेट, और ऑप्शन डी है फुली सीडली। इसके रेस्पेक्टिव 1, 2, 3, 4 के अंदर मैच करवाना है आपको। बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस, 2 के अंदर ब्लास्ट इन राइस, 3 के अंदर बखानी, और 4th के अंदर लिखा है फॉल्स स्मट इन राइस। आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कॉलर रॉट ऑफ सिम्टम्स, ये होता है ब्लास्ट डिजीज में। जो सीडलिंग विल्ट होता है वो होता है बैक्टीरियल ब्लाइट जो कि जेंथोमोनास की वजह से होता है। ये एक सिम्टम है लार्ज वेलवेटी मास ऑफ स्पाइकलेट्स, जो स्पाइकलेट्स होते हैं फलियां होती हैं उसके ऊपर वेलवेटी मास हो जाता है, तो वो होता है फॉल्स स्मट। स्मट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है। और जो डी है फुली सीडलिंग, वो होता है बखानी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्बोक्सिन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट, जो कार्बोक्सिन होता है फंजीसाइड वो किसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है? ऑप्शन ए है पाउडरी मिल्ड्यू, ऑप्शन बी है स्मट्स, ऑप्शन सी है ब्लाइट्स, और ऑप्शन डी है डाउनी मिल्ड्यू। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्मट, ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर है। अब कार्बोक्सिन होता है उसको हम वाइटावैक्स भी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कार्बोक्सिन दे दे ऑप्शंस के अंदर या वाइटावैक्स दे दे, दोनों ही दे सकते हैं। जो ये जो होता है ये ऑक्सेथिन नामक ग्रुप के अंदर आता है जो कि एक सिस्टमिक फंजीसाइड होता है। अब एक और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, जो कार्बोक्सिन होता है वो तो स्मट्स के अंदर काम होता है, और जो रस्ट के अंदर जो काम आता है वो होता है प्लांटावैक्स जो कि ऑक्सी कार्बोक्सिन होता है। और पाउडरी मिल्ड्यू का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो सल्फर फंजीसाइड होते हैं सल्फेक्स या कैराथेन वो होते हैं इसके अंदर, और जो डाउनी मिल्ड्यू होता है बोर्डेक्स मिक्सचर जिसके अंदर मैनेजमेंट के रूप में लिया जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके अंदर कॉफर सल्फेट लाइम और वाटर को
5:5:50 के अमाउंट के अंदर लिया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सर की खोज मिलारडेट ने की थी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।